भले काम बड़ा काम नहीं, छोटा छोटा काटते रहो, छोटा छोटा ये काटते आपके रहो, लिए रखा है, ये 2-3 महीने के लिए। आपको पूछने के लिए नहीं बना, एक सक नहीं रखा है, मतलब हाँ काटा नहीं है। भी भाई को फोन किया था हाँ तो बोले हम आ रहे हैं ना, उसके बाद आप चॉइस हाँ करके देख नहीं, लो। लंबे समय के लिए बोल रहा हूँ। ये पहली साइकिल, इसको बोलते हैं सिस्टर, फर्स्ट फर्स्ट सिस्टर, फर्स्ट नहीं बोलते, सिस्टर बोलते हैं। और ये जो अभी दूर से आ रहा है, इससे भी बाहर से, इससे भी बाहर से, ये डॉटर है। ये इसके नीचे से बाहर होके बाहर आ रहा है, तो इसकी खुद की एक अलग लाइफ है। और ये तभी आता है जब इसकी मैच्योरिटी चालू हो जाती है, और जब कटिंग होगा तो इसमें स्पीड आएगा, ठीक है ना? तो इसमें भी स्पीड आएगा, तो हमें क्या करना है, उसके बाद ये 2 बार काटेंगे तो ये भागेगा और ये रुक जाएगा, वो परमानेंटली लॉक हो जाता है। तो आपको जो सवाल था कि मुझे ज्यादा से ज्यादा साइकिलें लेनी है, 3, 4, 5, 6, 7, तो करना क्या है, एक दफा फील कट गई आपने, एक दफा ये ईस्ट वेस्ट के लेफ्ट साइड का रखा, तो सभी खेत में बड़े छोटा बड़ा हो, लेफ्ट साइड का रखना करेक्ट है। हम क्या करते हैं, एक का इसमें इधर अच्छा लगता है तो इधर रखते हैं, दूसरे का फिर इधर अच्छा लगता है इधर, दूसरा उधर, फिर क्या हो जाता है, आपकी जो गैप है वो चेंज हो जाती है। और 2 पौधे नजदीक आते हैं, 2 पौधे काफी दूर हो जाते हैं, तो फिर गिरने का चांस बढ़ता है, आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि जिसको लाइट अच्छी मिली वो आगे भागेगा, जिसको नहीं मिली वो छिटे छोटा रहेगा, फिर आगे पीछे वियान होगी, फिर अगला अगले साल वो आपको तकलीफ करेगा। तो विजन रखना है क्लियर, कटिंग हो एक साथ सब बढ़ने दो, इतना इतना होने दो, एक साथ काटो और एक साथ रखो, एक एक ही लाइन का, लेफ्ट तो लेफ्ट, राइट तो राइट, बेड तो बेड, ऊपर वाला रखना है तो ऊपर वाला, आगे पीछे लेफ्ट राइट, जो रखना है सभी में खेत में वही रखना है, एक खींच, क्लियर? तो ये अगर करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट सेकंड आप फर्स्ट जनरेशन आप ही नो दे, कोई हिसाब नहीं आपको, मैं जनते पहले रो कि तो मैं ये निशान के जाता पीला का टॉप फीलिंग देते हैं मदर को, जब वो टॉप फीलिंग में मदर जब तेजी से भागेगी तो अपने आप ही दब जाते हैं, फिर वो रुक ही जाते हैं, फिर भागेंगे नहीं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं और समय समय पर हम सीखते रहेंगे, ठीक है ना? ये अभी के लिए ओवरऑल देखा जाए तो इस खेत में देखने के बाद समझ में क्या आता है कि इन्होंने पूरा नहीं किया है, लेकिन 60-70% जो कुछ किया है उसका रिजल्ट क्या दिख रहा है कि आखिर का पत्ता भी ग्रीन है, ग्रीन समझ आया ना? अभी बंच स्प्रे और बाकी जो फ्रूट केयर की चीजें है वो आपको करनी है। और दूसरा और एक देखने लायक बात क्या है कि यहाँ ड्रिप नहीं है, फ्लड में फिर भी ये यूनिवर्सल है, ऐसा नहीं कि एक आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसा कुछ हुआ। कौन सा साइज हूँ, 7-5 वही साइज है, ये 7 है, ये 5 है, थोड़ा आगे पीछे लगाया है, रो टू रो 7, झिग प्लांट टू प्लांट 5, झिग झग, थोड़ा हमसे लिया है, थोड़ा बलराम से लिया है, झिग झग नहीं है, उल्टा। तो उसमें क्या हो जाता है, इतना आगे पीछे हो जाता है कि हर महीने आपको 10-15 घड़ मिली जाएंगे, लेकिन वो फिर क्या हो जाता है, वो कमर्शियल फार्मिंग नहीं है, वो छोटे किसान के लिए पेट पालने का दिक्कत है, पेट पालने की सिस्टम, वो बेचने के लिए एक बच्चा सागर सब मजा परेशान करेगा, कंप्लीट परेशान करेगा 2-3 महीने के बीच तक, एक दफा बार बार आता रहता है कटिंग में। तो कितने कटिंग की आपने, इसका पहला कटिंग है, दूसरा है और 3 बार काटा है, ठीक है? इन्होंने तो 2 ही बार काटा है, ये 2 से 3 बार अपनों को काटना पड़ता है। अगर यही सही टाइम का कटिंग है तो ये 5 बार कटना चाहिए, कितना कटना चाहिए, इतना ही कटना चाहिए। हम क्या करते हैं, इतना बड़ा होने के बाद काटते हैं, तो फिर डीप इंजरी और वेस्ट फूड है, आप समझ रहे ना? क्योंकि 100 मिलीग्राम खाद देने के बाद